हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगुकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजी सिंस मोर देन 15 इयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट पूछा है, उनका क्वेश्चन है कि मैम मैं 31 इयर्स ओल्ड हूँ और मुझे 40 mm और 30 mm की दो रसोली है, मुझे क्या करना चाहिए। तो 40 mm अंदाजी 4 सेंटीमीटर और 33 mm यानी कि 3.3 सेंटीमीटर की रसोली, जब तक मैं आपका जो क्वेश्चन है मोस्टली फाइब्रॉइड की गांठ होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। और जब भी आपको ऐसे फाइब्रॉइड्स की गांठ है, अगर सिम्टोमेटिक है यानी कि यह फाइब्रॉइड की गांठ की वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के दौरान आपके पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई भी तकलीफ है आपको, या तो आपको कंसीव करना है और यह जो फाइब्रॉइड की गांठ है या रसोली है वो यूट्रस के अंदर के लेयर में है, तभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप करवाने के लिए जा सकते हैं, रूटीन फॉलोअप रख सकते हैं, ताकि इन बिटवीन कभी भी यह गांठ की साइज बढ़ती है, आपके कोई दूसरे सिम्टम्स आते हैं तो वह हिसाब से आपको आगे के ट्रीटमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि जो भी हम ये वीडियोस बना रहे हैं, आपके जो भी क्वेरीज है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में भी हम आंसर दे पाए। और कुछ कुछ जो क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे लोगों के ये सेम क्वेरीज होती हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो भी बना रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।